क्या अक्षरा सिंह किसी को डेट कर रही हैं और भोजपुरी जगत में किसी को कानों कान खबर नहीं? अक्षरा सिंह को हो गया है फिर से प्यार, ये क्या ये किसी को पता ही नहीं चला? तो चलिए जरा हम इस खबर की पड़ताल भी करते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अक्षरा सिंह और हम रितेश पांडे का नाम एक साथ जोड़ेंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। रितेश पांडे उनके लाइफ में एज अ को-स्टार है और इससे ज्यादा अभी तक कुछ नहीं। लेकिन ये स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। रिक्वेस्ट ये कि जिस तरह आपने स्पेशल भोजपुरी चैनल को इतना प्यार दिया है, ठीक उसी तरह आप हमारे बॉलीवुड रिलेटेड चैनल एसके न्यूज़ को भी अपना प्यार और दुलार दीजिए। और एसके न्यूज़ का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इट्स रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खबर की कि अक्षरा सिंह किसके प्यार में पागल है। पहले आप ये वीडियो देखिए जहां अक्षरा सिंह बड़े ही रोमांटिक अंदाज में अपने दिलबर के लिए क्या कह रही हैं। अक्षरा सिंह की ये कातिलाना अदा किसी न पसंद आएगी। और इसे जब उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने पोस्ट किया तो साथ में लिखा ये गाना सिर्फ उनके लिए है। यानी कि इससे जाहिर हो रहा है कि जब से अपने दिलबर से अक्षरा सिंह मिली हुई हैं, उन्हें होश और खबर दोनों नहीं है। वैसे ये बात उन पे कुछ दिनों से सटीक भी बैठ रही है। फोटोशूट, एल्बम्स, ये वो ऐसा तैसा, यानी हर एक चीज़ में अक्षरा सिंह इतनी बिजी और इतनी प्रोफेशनलिस्ट नज़र आ रही हैं कि ऐसे लग रहा है कि वो बॉलीवुड की आमिर खान बन चुकी हैं। जी हाँ, अगर आपने पिछले दिनों अक्षरा सिंह का फोटोशूट देखा हो, उनकी नज़ाकत देखी हो, उनकी अदा देखी हो, तो वो लाइव को जितना इंजॉय अब कर रही हैं पवन के साथ, तो उन्होंने शायद ही कभी इतनी उनकी इंजॉयमेंट देखी होगी। और अगर इंसान प्यार में रहता है तभी इतना खुश नजर आता है जितना अक्षरा सिंह नजर आ रही है। लेकिन सभी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अक्षरा सिंह जब किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो उसे छुपाने की क्या जरूरत है। लेकिन एक बात यहाँ और मेंशन की जरूरत है कि जब वो पवन के साथ भी थी तो कभी उन्होंने पवन के साथ अपने रिलेशन का खुलकर इजहार नहीं किया। हाँ, ये बात और है कि जब पवन के साथ उनका ब्रेकअप हो गया तब उन्होंने बकायदा लाइव आकर सारी बातें कही कि उन्होंने पवन के लिए क्या क्या किया और किस तरह उन्हें प्यार में धोखा मिला। लगता है हर बार की तरह अक्षरा सिंह इस बार भी अपने प्यार को छुपा कर ही रखना चाहती हैं। वैसे प्यार में इतनी बार धोखा खाने के बाद अक्षरा रिलेशनशिप के मामले में अपना हर कदम फूक फूक कर ही रखना चाहेंगी। वैसे अपने दर्शकों को हम यहाँ जरूर बता दें कि भले ही अक्षरा सिंह कितना भी छुपा ले, लेकिन आपको हम ये जरूर बता दें कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। इस बात का जल्द ही हम आपके सामने पर्दाफाश करेंगे कि अक्षरा सिंह के लाइफ में है कौन वो, जिसके लिए आजकल अक्षरा सिंह दिलबर गाना गुनगुना रही हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही हमारा बॉलीवुड रिलेटेड चैनल एसके न्यूज़ भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए।